लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड और उस मास्टर के बीच फाइट हो रही थी और उस मास्टर ने स्काईलॉर्ड के ऊपर अर्थ लेवल की 8 क्लास की स्किल का यूज किया था, लेकिन स्काईलॉर्ड ने उस अटैक को बस अपने एवरेज पंच से ही रोक लिया था। और अब वो मास्टर कहता है कि अगर तुम मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से रोक सकते हो तो इसका मतलब तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मेरे ख्याल से तुम्हारी खास पावर तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ से आती है। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि हां तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरे ख्याल से तुम भी फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में कुछ कम नहीं हो। और अब हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने ऊपर के कपड़े को उतार देता है और फिर स्काईलॉर्ड से कहता है कि मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो कि मेरे सामने 2 मिनट भी खड़ा रह पाए, लेकिन आज फाइनली कोई टक्कर का बंदा मिला है और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और अब स्काईलॉर्ड कहता है कि मैं तो सरप्राइज हो गया क्योंकि तुम्हारी थियोर्जी पावर ब्लैक टर्टल है। जिस पर वो मास्टर कहता है कि हां तुमने बिल्कुल सही कहा, ब्लैक टर्टल डिफेंस के मामले में सबसे ऊपर आता है और मैंने अपनी लाइफ में जब से कल्टीवेट करना शुरू किया है तब से कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि मेरे डिफेंस पावर को भी ब्रेक कर पाए। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आज सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद वो मास्टर कहता है कि ठीक है चलो अब शुरू करते हैं। और इतना कहते ही वो अपने थियोर्जी पावर की मदद से सीधे स्काईलॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और अब स्काईलॉर्ड भी अपनी पावर की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब उन दोनों की पावर टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी जनरेट होने लगती है और इस टक्कर की वजह से स्काईलॉर्ड और वो मास्टर दोनों ही दो दो कदम पीछे की ओर खिसक जाते हैं। और अब सारे लोग भी उन्हीं दोनों की फाइट को देख रहे थे और अब वांगयान कहता है कि इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ी एनर्जी जनरेट हो रही है और आज तक मैंने ऐसा पर्सन नहीं देखा था जो कि मास्टर के सामने इतनी देर तक टिक पाए। और अब वांगयान उन दोनों को फाइट करते हुए देख ही रहा होता है कि तभी एक बहुत ही बड़ी एनर्जी फिर से जनरेट हो जाती है और उससे बचते हुए वांगयान सोचने लगता है कि मुझे भी जल्द से जल्द फिजिकल कल्टीवेशन को कल्टीवेट करना शुरू कर देना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड और उस मास्टर के बीच बहुत ही आइकॉनिक फाइट चल रही थी और उनकी फाइट की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी एनर्जी जनरेट हो रही थी और वो मास्टर अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए बस स्काईलॉर्ड को किसी तरह हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस मास्टर के हर वार का तोड़ा स्काईलॉर्ड के पास पहले से मौजूद था और उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार कैसे स्काईलॉर्ड की फिजिकल पावर उनसे कई गुना बेटर कैसे है। और अब स्काईलॉर्ड कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी डिफेंस की पावर काफी ज्यादा लिमिटेड है। और इतना कहते स्काईलॉर्ड अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट को एक्टिव कर देता है और अब इसे देखने के बाद वो मास्टर कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि मेरा डिफेंस भी इस अटैक के प्रेशर को नहीं झेल पा रहा है। और अब स्काईलॉर्ड सीधे उस पंच को उसके मुंह पे दे मारता है जिसके कारण वो मास्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब वो मास्टर स्काईलॉर्ड से पूछता है कि आखिरकार तुमने अभी अभी कौन से पंच का यूज किया। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। जिस पर वो मास्टर अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो और मैं मानता हूँ कि तुमने अभी जिस टेक्निक से मुझे मारा है वो टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन इससे तुम ये मत सोच लेना कि तुम मुझे इस टेक्निक की मदद से हरा पाओगे क्योंकि पावर्स के मामले में तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं मजाक से हट के बात करूँ तो तुम वो पहले पर्सन हो जो कि इस पूरे जिनू रिलम में मेरे पंच को खाने के बाद भी अभी तक जिंदा है, लेकिन चूंकि अभी तुमने पिताजी को बच्चा कह दिया तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और अब ये सुनने के बाद वो मास्टर कहता है कि बच्चे तुम में तो गजब का घमंड है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने अभी तक तुम्हारे सामने सारे पत्ते खोल दिए हैं तब तो तुम सच में स्टूपिड हो। और अब इतना कहते ही हम देखते हैं कि उस मास्टर के शरीर से चारों ओर फायर ऑरा निकलने लगता है और उसे देखकर स्काईलॉर्ड कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिरकार तुम कर क्या सकते हो। और इतना सुनते ही वो मास्टर फिर से दोबारा स्काईलॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ब्लैकी वांगयान को छोड़कर बाकी सबको बहुत ही अच्छे से धो रहा था और इस बात को वांगयान के पिताजी भी बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लेते हैं। और अब वांगयान के पिताजी ब्लैकी से बचते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि लगता है कि मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ, मेरे ख्याल से सीनियर ने बिल्कुल सही कहा था कि वांगयान भी स्काईलॉर्ड के साथ मिला हुआ है क्योंकि बिल्कुल साफ तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि ये डॉगी वांगयान को छोड़कर बाकी सबके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो वांगयान को पहले से ही पता हो कि कहाँ पर और किस जगह अटैक होने वाला है और वो इसीलिए हम सबसे पहले उस जगह से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्लैकी सारे लोगों के ऊपर कहर ढा रहा होता है और अब सारे लोग ब्लैकी से फाइट करने की तो दूर के बाद बस उसके अटैक से किसी तरह से खुद को बचा रहे होते हैं। और अब वांगयान के पिताजी को पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाती है कि उसके खुद के बेटे ने ही उन्हें फंसाया है। और अब हम मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि बच्चे अब मैं उस मूव का यूज करने वाला हूँ जो कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था। मेरे मास्टर द्वारा सिखाए गए इस मूव में टोटल 18 मूव्स थे, लेकिन मैंने अपने 30 सालों की मेहनत में इन 18 मूव्स को 2 मूव में कम्बाइन कर दिया है और अब तुम इसके कहर से नहीं बच पाओगे। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि सुनने में तो ये मूव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इस मूव को मैं अपने बॉडी में लेके देखना चाहूंगा कि आखिरकार इसका इफेक्ट क्या होता है। और अब ये सुनने के बाद वो मास्टर कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस किड तुम मरोगे। और इतना कहते ही वो मास्टर सीधे अपने अटैक से सावचन को दबा देता है और कहता है कि इस मूव का नाम हेल्पलेस हैटर्ड है। जिस पर सावचन भी कहता है कि हेल्पलेस हैटर नाम सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब ब्लैकी भी कहता है कि मास्टर इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और अब उन दोनों की पावर्स देखने के बाद इधर के लोग भी कहते हैं कि आखिरकार ये लोग कब तक रुकेंगे। और इधर हम देखते हैं कि सावचन आराम से उस मास्टर के पावर को झेले जा रहा था और कहता है कि उसका फर्स्ट अटैक तो सच में पावरफुल था। और अब बिना कोई देरी किए वो मास्टर कहता है कि यंग मैन क्या तुम तैयार हो मेरे सेकंड पंच के लिए। और इतना कहते ही वो मास्टर सीधे सावचन के पास आ जाता है और अपने सेकंड पाल्म से भी स्काईलॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है और उनका ये पाल्म अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ब्लैकी का प्रोटेक्शन बैरियर भी टूटने लगता है। और इस अटैक के फोर्स के कारण तो वांग फैमिली के वॉरियर्स ऐसे उड़ रहे थे मानो जैसे हवा से कपड़े उड़ रहे हो। और अब अपने मास्टर की पावर देखने के बाद वांगयान भी कहता है कि मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन रिलम का पावर तो नहीं है। और अब हम देखते हैं कि उस अटैक के शांत हो जाने के बाद
वो मास्टर कहता है कि बच्चे तुम सच में पावरफुल थे, लेकिन मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बेटर हूँ। और भले ही तुम्हारी फिजिकल पावर मुझसे कई गुना अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कल्टीवेशन के मामले में मेरे और तुम्हारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। और अब हम वांगयान को देखते हैं, जो कि एक जगह पे छिपके सोच रहा होता है कि सावचन इतनी आसानी से तो नहीं हार सकता, क्योंकि अभी भी मैं अपने अंदर सावचन के कॉन्ट्रैक्ट को महसूस कर सकता हूँ। और फिर वांगयान सोचते हुए कहता है कि आखिरकार वो छुपन छुपाई क्यों खेल रहा है। और अब वो मास्टर कहता है कि बद्दे बीस्ट, अब तुम्हारी बारी है। और इधर हम ब्लैकी को देखते हैं, जिसका एटीट्यूड लेवल तो 100 के पार था। ब्लैकी उस मास्टर की बात को सुनने के बावजूद भी ऐसे बैठा था मानो कि उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। और तभी उस मास्टर को महसूस होता है कि उसके ऊपर बहुत ही बड़ी एनर्जी गिरने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि सावचन भी अपने बहुत ही बड़े पाल्म से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब सावचन के अटैक से बाल बाल बचते हुए वो मास्टर सावचन से कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई मेरे अर्थ लेवल के 9th क्लास की स्किल से भी बच जाए और तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई है। जिस पर स्काईलॉर्ड कहता है कि तुम इस लाइक नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं आखिरकार हूं कौन। और अब वो मास्टर भी स्काईलॉर्ड की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि मैंने अपनी पूरी पावर्स का 90% तो यूज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये आदमी तो मेरे सामने ऐसे खड़ा है जैसे कि अभी तक फाइट शुरू ही ना हुई हो। और फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, तब फिर मेरे ख्याल से चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मूव्स का यूज करने के बावजूद भी मैं इसके बॉडी के बैरियर को नहीं तोड़ पाया हूँ। और अब वो मास्टर कहता है कि सच में तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने फाइनल अटैक को निकालना ही होगा। जिस पर स्काईलॉर्ड भी कहता है कि मैं तुम्हारे फाइनल अटैक का स्वागत करता हूँ। और अब इतना सुनते ही वो मास्टर भी अपने फुल पोटेंशियल से अपनी पावर्स को बाहर निकालने लगता है और उनके बॉडी के चारों ओर एक ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। और उस एनर्जी को देखते हुए स्काईलॉर्ड सबसे कहता है कि सब कोई अपनी कानों को बंद कर लो। और अब हम देखते हैं कि वो मास्टर जिस जगह पे था वहाँ पर इतनी बड़ी एनर्जी जनरेट होती है जिसके प्रेशर से आसपास के लोग तो उड़ने लगते हैं, और एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम सीधे जमीन से निकलते हुए आसमान की तरफ जाने लगती है। और ये पावर बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी और इस पावर के कारण चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।